तो यह है मोटरोला H40 और आज इसके हम सारे सेटिंग के बारे में बात करेंगे कि इसके सेटिंग में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर जो सेटिंग है, यहाँ पर सेटिंग में हम आएंगे यहाँ पर। तो देखिए सेटिंग में सबसे पहले इस यहाँ पर आने से पहले उंगली उंगली रखना होगा। अच्छा हाँ, तो यहाँ पर जो है डिस्प्ले में जैसे रखेंगे तो यहाँ पर से पर्सनलाइजेशन खुल जाएगा, जिसमें हम आकर क्या कर सकते हैं कि किसी भी तरह का चीज़ को यहाँ पर से सटा सकते हैं और रख सकते हैं। जैसे थीम वगैरह जो है, देखिए कौन कौन सा आपको थीम रखना है वो अपने हिसाब से यहाँ पर से रख सकते हैं। गूगल का है, कलर वगैरह का, आइकॉन का कलर वगैरह, साइज वगैरह, उसका हिसाब से आप शेप वगैरह जो है चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट वगैरह, लेआउट वगैरह, फिंगरप्रिंट यहीं से भी डाल सकते हैं। यहाँ पर किस तरह से आपको क्लॉक रखना है वो सारा चीज़ को आप अपने हिसाब से यहाँ से देख सकते हैं। साउंड वगैरह को कैसा रखना है वो चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ से। डार्क मोड वगैरह जो है, और एज लाइट, इसको कौन सा आपको एज लाइट रखना है, वाइट रखना है, ब्लू रखना है, कौन सा रखना है। तो मैं बोलता हूँ कि ये इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यही एज लाइट ज़बरदस्त रहेगा। देखिए एज लाइट में आपको किसको किस में एज लाइट चाहिए, अलार्म हो गया, इनकमिंग कॉल हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, सब में हम ऑन करके रखें तो एज लाइट का यही है कहानी। तो यहाँ पर एक चीज़ पता चल गया। उसके बाद वॉलपेपर पे आते हैं, तो वॉलपेपर में भी बहुत सारे यहाँ पर वॉलपेपर है, और भी यहाँ पर वॉलपेपर हैं जो लाइव है, ठीक है, डायनेमिक वाला वॉलपेपर पे आते हैं। तो ये सब जो है यहाँ पर सर डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे हम मान लीजिए ये वाला डाउनलोड करते हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये वॉलपेपर कैसा रहता है और किस तरह से परफॉर्मेंस देता है। यहाँ से ये डाउनलोड हो गया है, चलिए इसको देखते हैं। तो इस तरह से ये ऊपर मतलब जूम होगा और चल जाएगा। जैसे हम यहाँ पर प्रीव्यू देखते हैं, तो देखिए प्रीव्यू इस तरह से दिखेगा। तो बहुत सारे यहाँ पर वॉलपेपर है जिसको आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर उसके बाद विजिट्स आता है, तो विजिट्स भी बहुत सारे यहाँ पर विजिट्स से देख सकते हैं। अलग अलग विजिट्स हैं जिसमें आपको रखना है, जैसे मोटो का है बोर विजिट्स रख सकते हैं, मोटरोला एज, यहाँ पर जो इसका क्लॉक वगैरह है उसको आप यहाँ पर से देख सकते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पर विजिट्स हैं जिसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो हमने आपको बता दिया कि किस तरह से होता है। होम सेटिंग में चलते हैं, तो होम सेटिंग में देखिए नोटिफिकेशन आपको किस तरह का चाहिए, नोटिफिकेशन का स्टाइल आपको कैसा चाहिए, कैसा रखना चाहिए वो रख सकते हैं यहाँ पर। ऐप लेबल लगा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ है, अगर लॉक रखना है तो वो सारा चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद होम सेटिंग हमने आपको बता दिया, चलिए बात करते हैं अब इसके सेटिंग की। सो सेटिंग में क्या क्या मिलता है। सबसे ऊपर में पर्सनलाइजेशन हमने आपको बता दिया कि किस तरह का यहाँ पर मिलता है ये सारा चीज़। उसके बाद सिस्टम नेविगेशन, नेविगेशन आपको किस तरह रखना है, ये वाला रखना है या फिर गेस्चर वाला रखना है, तो वो आप यहाँ पर से रख सकते हैं। नेटवर्क सेटिंग, इंटरनेट पर आते हैं, तो यहाँ पर देखिए इंटरनेट का आपको सारा को यहाँ पर दिखेगा, सिम कार्ड का भी यहाँ पर दिखेगा, हॉटस्पॉट का भी यहीं पर दिखेगा, डेटा सेवर, सब कुछ आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। उसके बाद कनेक्टिविटी, डिवाइस, कनेक्टेड डिवाइस, कौन कौन सा डिवाइस कनेक्ट है वो सारा चीज़ यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले में जैसे आएंगे तो यहाँ पर ब्राइटनेस जो है 44% है जो यहाँ पर दिख रहा है, अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। यहाँ पर एडिटिव ब्राइटनेस जो है मतलब कम ज़्यादा जो होगा वो, यहाँ पर लॉक स्क्रीन वगैरह है, स्क्रीन टाइम आउट यहाँ पर दिया गया है, डार्क मोड वगैरह है, डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट देख सकते हैं, कैसा रखना है आपको डिस्प्ले का साइज एंड टेक्स्ट वो देख सकते हैं। कलर वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं, कलर फुल स्क्रीन पे अगर आपको रखना है तो वो मतलब कौन कौन सा वीडियो को आपको फुल स्क्रीन में देखना है यहाँ से ऑन कर सकते हैं, और भी ऐड को आउट कर सकते हैं। यहाँ पर पिक डिस्प्ले वगैरह है, थ्री फिंगर स्क्रीन शॉट, एज लाइट वगैरह जो है उसको किस तरह से आपको रखना है वो सारा चीज़ यहाँ पर दिखाएगा आपको, तो उसको आप कर सकते हैं। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह है यहाँ पर डिस्प्ले में, वॉलपेपर में हमने जैसा बता दिया कि ये सारा चीज़ को रख सकते हैं। यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन में आएंगे, तो यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन का सारा दिया गया है कैसे रखना है। यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस जो है यहाँ पर स्टैंडर्ड रखना है या फिर दूसरा कुछ रखना है, तो वो चीज़ यहाँ पर से देखिए ये जो है ऑन हो जाएगा, मतलब अपने हिसाब से ऑन हो जाएगा, आपको खाली हेडफोन यहाँ पर लगाना होगा, यूज़ करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्पिरिचुअल ऑडियो जो है उसको ऑफ ही रखना है, डो नॉट डिस्टर्ब वगैरह है, क्रिस्टल टॉक AI मल्टी वॉल्यूम यहाँ पर दिया गया है, तो देखिए वॉल्यूम जो है अगर आप इसको ऑन कर देंगे, ठीक है, इसको अगर हम ऑन कर देते हैं तो जब भी हम करेंगे तो इस तरह से खुलेगा, और इसको ऑफ करेंगे तो जब भी करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर खुल जाएगा, देख लेते हैं और खोलना है कि नहीं खोलना है, या फिर अगर इसको ऑन कर देंगे और हम यहाँ पर जाएंगे और इसको करेंगे तो यहाँ पर और भी चीज़ खुल जाएगा। तो ऐसे आप अपने हिसाब से यहाँ पर से एडजस्ट कर सकते हैं और रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, मल्टीपल वॉल्यूम हो गया। उसके बाद फ़ोन रिंगटोन, सिम कार्ड वगैरह जो है मोटो का,
उसको रख सकते हैं। यहाँ पर और भी चीज़ें आप देख लीजिएगा, लाइव कैप्शन वगैरह है, डायल वगैरह है, सारा चीज़ को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन जो है हमने आपको बता दिया कि नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा किस तरह से रखना है। गेस्चर आपको पता ही है कि गेस्चर जो होगा वो आपके हिसाब से होगा, आप जैसा रखेंगे वैसा गेस्चर वगैरह को सेट कर सकते हैं। बैटरी यहाँ पर आएंगे, बैटरी में क्या है तो देखिए 80% बैटरी यहाँ पर दिखाया जा रहा है, फ़ोन कॉल आया है, बैटरी सेवर वगैरह है, एडेप्टिव बैटरी यहाँ पर दिया गया है, वो सारा चीज़ यहाँ पर दिख जाएगा। ओवर चार्ज ऑप्टिमाइजेशन वो भी दिया गया है, ऑप्टिमाइज चार्जिंग वगैरह भी, एफिशिएंट वगैरह भी दिया गया है, तो वो सारे चीज़ आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ पर बात करते हैं गेस्चर के बाद स्टोरेज की, तो स्टोरेज जो है देख सकते हैं कितना मिल रहा है यहाँ पर अभी पता चल जाएगा। तो 256 GB का है जिसमें 22 GB जो है यूज़ किया हुआ है, कितना यूज़ किया हुआ है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो स्टोरेज हो गया, लोकेशन हो गया, एक्सेसिबिलिटी आप देख लीजिएगा। ऐप्स में आते हैं तो ऐप्स जो है यहाँ पर देख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट ऐप स्क्रीन, मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजर, अनयूज्ड ऐप 0 यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये फीचर्स मिला नहीं अभी तक हमें Realme 10 Pro Plus में। यहाँ पर स्पेशल एक्सेस वगैरह है, कुछ भी कर सकते हैं, तो उस तरह का है। यहाँ पर सिक्योरिटी एंड पासवर्ड वगैरह दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर कैसे आपको रखना है, भरना है। सेफ्टी इमरजेंसी वगैरह दिया गया है, आप लोगों को पता है ये चीज़। गूगल सर्विस जो है वो भी पता है। यहाँ पर सिस्टम अपडेट, यहाँ पर सिस्टम अपडेट ऑन रखना ऑफ रखना वो चीज़ यहाँ पर पता चल जाएगा आपको कि आपको किस हिसाब से रखना है। यहाँ पर सिस्टम का और भी दिया गया है बहुत सारी चीज़, उसको भी आप यहाँ पर से देख सकते हैं। अबाउट फ़ोन में जाएंगे तो अबाउट फ़ोन में मोटरोला के बारे में सारा कुछ दिया गया है, कौन सा सिम लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, EMI नंबर, बहुत सारे चीज़ जिसको हम ब्लर किए हुए हैं। तो यही था, तो हमने आपको बता दिया कि किस तरह से क्या करना है। अब बात करते हैं गूगल डायलर की, तो भैया इसको हटा नहीं सकते। हाँ, इसका और भी डायलर वगैरह है जो आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आएंगे इस तरह से, तो अलार्म वगैरह सेट करने का यहीं पर दिया गया है, देख सकते हैं इस तरह से स्टॉपवॉच, बेड टाइम वगैरह को सेट कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। बाकी मुझे नोटिफिकेशन वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त लगा, यहाँ पर अलग अलग कर सकते हैं और यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं नोटिफिकेशन को किस तरह से रखना है, वो सारा चीज़ आप देख सकते हैं। तो होप आपको एक शॉर्ट वीडियो में हमने आपको सारा कुछ बता दिया है कि इसका सेटिंग कैसा है। तो होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।